देश केवल भ्रष्टाचार की समस्या से ही ग्रसित नहीं है, ये सामने दिखने वाला एक राक्षस है। आप अगर देखेंगे, हम जम्मू कश्मीर से शुरू करें तो हमारा कश्मीर असुरक्षित है, हम अगर जम्मू कश्मीर से लेके इधर बंगाल तक आते हैं तो चाइना और बाकी कई देशों का महाराक्षस हमारे सिर के ऊपर बैठा हुआ है। हमारी सेना में हो रही घुसपैठ एक बड़ा चिंता का विषय है, सेना के पास के खत्म होते गोला बारूद उससे बड़ा चिंता का विषय है, और उससे भी बड़ा चिंता का विषय है कि इन चिंताओं से चिंता मुक्त दिल्ली का सरकार है। अगर हम नीचे जाते हैं तो ओडिशा से लेके मुंबई तक जो समुन्द्र की हमारी सीमा है वो भी असुरक्षित है, वहां पर भी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत ऐसे रिसोर्ट, ऐसे जमीन और ऐसे नमक बनाने वाले कारखाने तैयार हुए हैं कि जिनके द्वारा घुसपैठ करना इस देश में आसान हो गया है। नाम पर ऐसे बीचों को डेवलप किया जा रहा है और वहां पर चलने वाली नौकाओं के द्वारा इस देश में ऐसे संसाधनों को लाया जा रहा है जो देश में गोला बारूद फोड़ने के लिए पर्याप्त है। अगर हम बात करें व्यवस्था की, अगर हम बात करें भ्रष्टाचार की, अगर हम बात करें जातीयवाद की, अगर हम बात करें देशद्रोह की, ऐसे हजार नाम तो समस्याओं के मैं एक घंटा लेता रहूंगा फिर भी समस्या खत्म नहीं होगी, और वो भ्रष्टाचार से तनिक भी कम नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार के केवल एक मुद्दे के आधार पर देश जगा है। इसी एक मुद्दे पर ताकत लगाना कम करे ऐसा मैं नहीं चाह रहा, लेकिन इस बहाने हम देश की सारी समस्याओं को कैसे खत्म करें इसके लिए एकत्र आने की जरूरत है। अभय जी, क्या आपको लगता है कि ऐसे सारे मुद्दों को अगर लेंगे तो फिर बहुत ज्यादा संस्था एक साथ आएगी? अन्ना और बाबा का भी अगर हम उदाहरण लेते हैं तो बाबा काले धन के ऊपर ज्यादा फोकस करते, अन्ना भ्रष्टाचार के ऊपर करते, अब दोनों एक आएंगे तो दो मुद्दे हो गए। अगर इसमें तीसरा कोई आ जाता है और एक मुद्दा लेके तो और तीसरा मुद्दा हो जाएगा। ऐसे कई एक्सपर्ट, जैसे कोई पेशेंट जब क्रिटिकल ऑपरेशन होता है ऑपरेशन थिएटर में तो कई डॉक्टर मिलकर उसका ऑपरेशन करते हैं, आज देश की स्थिति को देखा जाए तो ऐसे कई डॉक्टरों के टीम की आवश्यकता है। वो टीम जब बनेगी तो ही काम बनेगा, नहीं तो इस पेट को बार बार फाड़ना पड़ेगा और शायद उसमें पेशेंट का खतरा और बढ़ जाएगा। अभय जी सही बात कही, बहुत सारे संकट है। दूसरी बात है कि एक एक संगठन लड़ता है तो एक एक संगठन को खत्म करने के लिए सरकार को बहुत ही आसानी से हो जाता है। जैसे तपन जी ने कहा कि इसके लिए प्रयास कर रही है हिंदू जन जागृति समिति, जो राष्ट्रीय स्तर का एक अधिवेशन बुला रही है गोवा में। मुझे आज के चैनल के माध्यम से बताने में बहुत ही आनंद होता है। उपाय में जाएंगे जी। तो ये तपन जी का जो कहना था कि हर एक संगठन, छोटा सा भी संगठन प्रयास करता है कि सभी एकत्रित आए, अकेला कोई भी संगठन लड़ नहीं सकता, इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हैदराबाद में जो राजा सिंह जी है, उन्होंने 3 लाख का मोर्चा निकाला था लेकिन सरकार ने उनको अरेस्ट किया था, लेकिन उनको उनका संगठन तो सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए मर्यादित है, बाकी का पूरा देश अगर हम सभी एकत्रित होते थे सभी उनके लिए लड़ सकते थे। आज हम संगठित नहीं है इसके लिए उनके लिए लड़ नहीं रहे। वैसे ही बात अपने जम्मू की कि कश्मीर के पनून कश्मीर में हमारे हिंदुत्ववादी संगठन है, हिंदुत्ववादी जो कश्मीरी विस्थापित हुए हैं उनके लिए पूरा देश खड़ा नहीं हो पाया क्योंकि हम संगठित नहीं है। यही कारण है कि अगर हम संगठित होते हैं तो हम सब इकट्ठा मिलकर कार्य कर सकते हैं। और तपन जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि हिंदू जन जागृति समिति के बारे में उन्होंने बताया, समिट के बारे में, तो ऐसे प्रयास हो रहे हैं। मतलब बिल्कुल, एक और कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। हम आपका अभी प्रोग्राम देख रहे थे तो हमारा हृदय आपके प्रोग्राम को देख करके बड़ा गदगद हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि इस तरह का प्रोग्राम विशेष से विशेष हो तो बहुत अच्छा है। और रही राष्ट्र की बात, तो राष्ट्र में तो दो प्रकार के लोग हैं, एक लोग हैं जो राष्ट्र को लूटने के लिए तैयार हैं, एक लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्र को बचाया जाए। और हम तो उनके समर्थक हैं जो राष्ट्र बचाने वाले हैं, चाहे वो रामदेव बाबा हों या अन्ना हजारे हूँ, और चाहे कोई भी संस्था हो, मैं तो राष्ट्र बचाने वाले के साथ समर्पित हूँ और मेरा जीवन समर्पित। मैं आशा करता हूँ कि इस तरह से अधिक भारतवर्ष के लोग जुड़े और राष्ट्र बचाने में अपना सहयोग करें। बिल्कुल, धन्यवाद। हम चलेंगे विनोद बंसल जी के पास। विनोद बंसल जी, आप विश्व हिंदू परिषद को रिप्रेजेंट करते हैं, देश का सबसे बड़ा संगठन होने के नाते आपका दायित्व ज्यादा नहीं बनता है कि ऐसे सारे संगठन आपके साथ आए? जी, पहले तो आपको बधाई देता हूँ कि आपने एक अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। इसमें देखिए, जहां तक राष्ट्रवाद का विचार है, वो राष्ट्रवाद के विचार के लिए तो निश्चित रूप से सबको एक साथ तो आना ही होगा, लेकिन साथ साथ ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आखिरकार ये समस्या कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पर जाके एंड होगी।
आज देश के अंदर जो सारी समस्याओं का जड़ है, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे महंगाई है, या आपसी विद्वेष की भावना है, राष्ट्र प्रेम की कमी है, इन सब चीजों की जड़ में एक ये कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है, प्रजा के बिना भी राजा के ऊपर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, लेकिन निश्चित बात यह है कि राजा के ऊपर अंकुश तभी लग सकता है जबकि वो जो प्रजा भी मतलब स्ट्रांग हो और प्रजा के साथ प्रजा का जो माना स्थिति है। हम तो हम सरकार ने क्या करना है ये बाद में बात करेंगे, हम कह रहे हैं कि वीएचपी क्या कर रही है। विश्वंदु परिषद संगठन बहुत बड़ा काम इस मामले में कर रहा है, ये राष्ट्रवादी व्यक्तियों को एकत्रित करने के लिए ही एक बहुत बड़ा मंच बना है और हमारा जो एकमेव उद्देश्य है धर्म और राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र के बिना धर्म, धर्म के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है बिल्कुल भी। तो हमने सारे संत समाज को इकट्ठा कर बिल्कुल हमने मैं आपको एक बात और पूछना चाहूंगा, आप कार्यक्रम में थोड़ा देरी से आए इसलिए कुछ चर्चा हो, बाकी आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन एक बात हो रही थी कि क्या कारण है सारे संगठन एकत्र नहीं आते, क्या इसमें यह भी कारण है कि जैसे वीएचपी में लोग आए या देश के किसी भी राष्ट्रवादी संगठन में गए और वहां पर उनका ईगो टकराया, वो बाहर गए, फिर उन्होंने एक अलग से संगठन खड़ा किया और फिर वो ऐसे टुकड़ों में परिवार बढ़ता गया। ऐसा होता रहा होगा, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन विश्वंदु परिषद के साथ ऐसा नहीं हुआ। विश्वंदु परिषद में जो व्यक्ति केवल विश्वंदु परिषद की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तमाम जो बड़े संगठन है उनसे ऐसे लोग टूटकर बाहर आते हैं और अलग से संगठन बनाते हैं। नहीं, निश्चित रूप से ऐसी चीजें तो रहती थी, लेकिन उसके भी कोई ऐसा नहीं मायने नहीं निकालना चाहिए कि वो दूसरी जगह अगर कोई दूसरा संगठन बना दिया तो कोई नुकसान का काम हो गया। आखिर नुकसान नहीं, तो नहीं, 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 ऐसा नहीं कह सकते। देखिए आखिर कई हाथ बन जाएंगे और उन हाथों को एकत्रित संचालन करने वाला अगर शरीर नहीं रहेगा या वो कई हाथ अगर मेरे ही दो हाथ दो दिशा में काम करने लगेंगे तो वो इस शरीर का हिस्सा नहीं। देखिए विश्वंदु परिषद ने पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को एकत्र करने का प्रयास किया। हमारे संत समाज में कई सारे, आपको तो ध्यान में है कि कई सारे वो थे मत पंथ संप्रदाय, उन सबको एकत्र करके एक मंच पर ला करके चारों जगत गुरु शंकराचार्य को एकत्र करके और वहां पर एक साथ एक आवाज बुलंद करना समाज के लिए, ये विश्वंदु परिषद की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम एक कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। बधाई हो पहले तो आपको, ये जो आपने कार्यक्रम चलाया है कि सारे राष्ट्रवादी संगठनों को एक मंच पे आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले सर तो आपको बधाई है, सुदर्शन न्यूज को बधाई कि राष्ट्रवादी संगठन तो एक मंच में कब आए, लेकिन आपने ये पहल शुरू कर दी है, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा सर। धन्यवाद, हम कॉलर को कहेंगे कि आप केवल हमारा हौसला मत बढ़ाइए, आप वैसे भी सुदर्शन को मिलने वाले समर्थन से हमारा हौसला काफी बढ़ा है और हमारे हौसले में कोई कमी नहीं, हमारे विषय को न्याय देने के लिए आप उस पर ज्यादा फोकस करिए। हम कुछ और भी आपके सामने चीजें लेकर आएंगे, लेकिन परिणाम पर पहले नजर डालते हैं कि क्या परिणाम है, देखिए। आंदोलन सफल होंगे अगर सभी राष्ट्रवादी संस्थाएं एक साथ मिलकर काम करने लगेंगी तो आंदोलन सफल होंगे। भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, भ्रष्ट अफसर नेताओं पर लगाम लगेगी, देश में सही मायने में जनतंत्र होगा, देश आर्थिक रूप से आजाद हो जाएगा, सत्ता को अपनी जागीर समझने वाले बेदखल होंगे, जनता के कार्यों में पैसे का सही इस्तेमाल होगा, नेताओं के मन में भय पैदा होगा, प्रशासन में पारदर्शिता आएगी, सही व्यक्ति का चयन होगा, देश विकासशील से विकसित बनेगा, जनहित कार्यों में विकास राशि खर्च होगी, गरीबों की परेशानी खत्म होगी, सबको अपना हक मिलेगा, दूसरे देशों के लिए भारत आदर्श उदाहरण बनेगा। बिल्कुल, ये सबसे आखिर में जो कारण है, दूसरे देशों पर आदर्श उदाहरण बनेगा और भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में जो जाना है उसके लिए ये परम आवश्यक है। हम यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, बिंदास बोल जारी है। और अपना व्यक्तिगत अहम या विचार जो भी कहीं पर टकराता हो उसको दूर रखकर राष्ट्र हित में काम कर पाएंगे। आभार व्यक्त करता हूं और बिंदास बोल में क्या हो आपके विषय, क्या आप चाहते हैं, विभिन्न विषयों को लेना सुदर्शन का कर्तव्य मानते हैं और राष्ट्र हित में ऐसे कई मुद्दे लेते रहते हैं। अगर आप भी जो विषयों को सूचित करना चाहते तो हमें जरूर लिख भेजिए, बिंदास बोल सुदर्शन टीवी, A88 सेक्टर नोएडा। आप हमारे फोन नंबर पर, ईमेल पर और फैक्स पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मैं अभय जी का और विनोद जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाला, धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूं। आज के लिए इतना है, जय हिंद।